तो एक और सीक्रेट वीडियो में आपका स्वागत है। आजकल बहुत सारे लोग अपने लिए राष्ट्रवादी देशभक्त और कट्टर सनातनी मानते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए आज की ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। उनके हम मंदिर में इतना गए, उन्होंने हमारे नाना को ठीक नहीं कर पाया। हम अपने ईश्वर के एक महीने गए, मेरे नाना को ठीक कर दिया। आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी है मेरी कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि हर एक टॉपिक को बहुत हम मेहनत से बनाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये उनके खिलाफ है जो दूसरों को दबाकर खुद को ऊंचा दिखा रहे हैं। आज हम ऐसे ही कुछ बातों को पॉइंट आउट करेंगे जो कि लोगों ने ही बनाई है। धर्मांतरण की बात करते हैं, यूं तो ये गैर कानूनी है और भारत का समय कभी जबरन तो कभी बेहद शातिर तरीके से हिंदू आबादी को दूसरे धर्मों में कन्वर्ट करने का खेल इतिहास में खूब चला है, और उसे कन्वर्जन धर्मांतरण की पॉलिटिक्स चलाई जाती है। अब जो ये धर्मांतरण का मामला है उसे हम जितना सिंपल समझते हैं ये उतना सिंपल नहीं है, बल्कि उसके पीछे बहुत गहरी पॉलिटिक्स है। मन परिवर्तन और धन परिवर्तन, इन दोनों में फर्क है। मन परिवर्तन आस्था और विश्वास पे चलता है, जबकि धन परिवर्तन बहुत बड़े लालच और डर पे चलता है। अब इसे हम अच्छे से समझते हैं कि ये सारा खेल चलता कैसे है। देखो, जिस तरह से ये क्रिश्चियन धर्मांतर तेजी से बढ़ रहा है उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि एक दिन ये कन्वर्जन के ठेकेदार सब रूरल्स एरिया में रहने वाले लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करके रहने वाले है। अब जो लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं वो लोग अपना रिलीजन्स हिंदू लिखते हैं पर होते क्रिश्चियन है। अभी महाराष्ट्र के एक गांव से लिया गया इंटरव्यू है, इसे जरा देखो। तो हिंदू धर्म पे टिकट लगाते हैं सभी लोग, लेकिन जो कास्ट का कॉलम आता है जी, तो वहाँ पे कुछ लोग लिखते हैं क्रिश्चियन वगैरह। अच्छा, वो धर्म अपना हिंदू मानते हैं लेकिन अपनी जो जाति है वो क्रिश्चियन वगैरह सब कुछ लिखते है। और कुछ लोगों के जो नाम है उनकी वजह से, जैसा ये यहाँ पे है सब एक्चुअल आदिवासी लोग है, उनके जो सरनेम वगैरह है सरनेम पूरे आदिवासी है, लेकिन इस कारण के वजह से उनके जो कास्ट सर्टिफिकेट बनना चाहिए एसटी का, उसमें भी उनके दिक्कत आती है, तो उनके कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनते। साथ ही इसमें दूसरा एंगल ये भी है कि शायद इसलिए भी नहीं दिया जा सकता क्योंकि जो लोग क्रिश्चियनिटी में ऑलरेडी कन्वर्ट है वो ज़्यादातर अपने कन्वर्जन्स को लेकर चुप रहते हैं, ताकि गवर्नमेंट से मिलने वाली सारी सुविधा उनको मिलती रहे। ट्राइबल एरियाज में क्या होता है कि उन लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाया जाता है, जिसमें लोगों को खाना, पैसा, एजुकेशन और कुछ सुख सुविधाओं के लिए कन्वर्ट किया जाता है। अब हम थोड़ा पीछे जाकर देखेंगे कि आखिर कन्वर्जन की शुरुआत इंडिया में सबसे पहले कहाँ शुरू हुई। तो वो हुई गोवा में। तब हिंदुओं को टॉर्चर करके कन्वर्ट किया जाता था। गोवा में जब सेंट जेवियर्स आए तो उन्हें गोवा बहुत पसंद आया, पर उन्हें पता था कि यहाँ के हिंदुओं को कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उन्होंने रोम के सम्राट को एक लेटर लिखा और उसमें लिखा कि हिंदू एक अपवित्र जाति है, वे झूठे हैं और धोखेबाज लोग हैं, उनकी मूर्तियाँ काली और बदसूरत है, डरावनी है और तेल से सनी हुई है, बुरी तरह से गंध वाली है इनकी मूर्तियाँ। और इसके बाद हिंदुओं को जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया। 20,000 हिंदुओं पर निगरानी रखी गई। हिंदुओं को उपवास करना, घर में तुलसी का पौधा लगाना, जनेऊ पहनना, शास्त्र पढ़ना, यहाँ तक कि घर में मूर्ति रखना भी मना था, और ज़बरदस्ती गोमांस दिया जाता था, शराब पिलाई जाती थी हिंदुओं को, और तो और हिंदुओं के मंदिर भी तोड़े गए। इस सब का कारण रिलीजन्स को हेट करना नहीं था, बल्कि इसका मेन रीज़न था हमारे साइंस, मेडिसिन, मैथमेटिक्स और बहुत सारे सब्जेक्ट पर लिखे गए ग्रंथों को चोरी करना। इन्हीं सब इन्फॉर्मेशन को बाद में चुराने के बाद उन्होंने अपना नाम देकर पेटेंट करवा लिया। अब दुख की बात तो यह है कि आज भी भारत में फ्रांसिस जेवियर्स का बहुत बड़ा नाम है, उन्हें संत की पदवी दी गई है और स्कूल और कॉलेजेस भी उनके नाम पर रखे जाते हैं। जेवियर्स तो एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर बहुत सारी मिशनरीज एक साथ काम कर रही है। आज भी इन मिशनरीज का कन्वर्जन बिजनेस छोटे छोटे गाँव कस्बों में चल रहा है। लोकगीतों में भजन मंडलियाँ बनाकर प्रार्थना सभा की जाती है जिसमें महिलाएं शामिल होती है, फिर अंधविश्वास चमत्कार की कहानियां बनाकर ईसाई बनाने का खेल चलता है। धर्म परिवर्तन के इस गोरख धंधे में ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है जो आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर पिछड़े और परेशान है। गंद बाहर निकले, गंदे भी एड्स की बीमारी।
चल एड्स की बीमारी निकल जा एड्स की बीमारी जाओ। ऐसे लोग बीमारियों को भूत और प्रेत का प्रकोप बनाकर ये मिशनरीज उन्हें ठीक करने का भरोसा लोगों को देते हैं। फिर ऐसे फैमिलीज पर धर्म परिवर्तन का प्रेशर डालकर उन्हें पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन किया जाता है। उनके निशाने पर एससी और ट्राइबल्स कम्युनिटी के लोग होते हैं, जिनके हिंदू नामों को जैसे के तैसा रखकर धर्म परिवर्तन का खेल होता है। मेरा नाम अभिषेक जॉन सिंह है। अभिषेक जॉन सिंह जी हाँ। ये कैसा हिंदू और क्रिश्चियन मिक्स नाम लग रहा है ये तो। ताकि किसी को इस कन्वर्जन का पता न चले और आरक्षण का भी फायदा मिलता रहे। देश के कई राज्यों में ये मिशनरीज धर्म परिवर्तन का ये काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। और उनके निशाने पर कौन लोग होते हैं ये अगर अच्छे से समझना है तो ये देखना पड़ेगा। देश के दूरदराज के गांवों और कस्बों में ईसाई मिशनरीज के धर्मांतरण का गोरख धंधा बड़े ही सधे और शातिर तरीके से चल रहा है। ये मिशनरीज लोगों का विश्वास पाने के लिए कभी भगवा धारण कर लेते हैं तो कभी यीशु को कृष्ण की तरह दिखाते हैं तो कई श्री गणेश की तरह दिखाते हैं, भगवत गीता पे भी यीशु। इतना ही नहीं, हिंदू देवताओं के ऊपर यीशु की फोटो लगाकर इन लोगों का मकसद साफ है कि हिंदुओं के आराध्य के बीच यीशु की एंट्री कराना। सोशल मीडिया से लेकर ग्रामीण इलाकों और कस्बों में मिशनरीज का यह धर्म परिवर्तन का बिजनेस जोरों से चल रहा है। फ्रॉड और धूर्त नाटकबाजी के जरिए परेशान लोगों की पारंपरिक धार्मिक भावनाओं को खंडित किया जाता है और भूत प्रेत भगाने के नाम पर, परेशानियों को दूर करने के नाम पर झूठे चमत्कार के जरिए मिशनरीज कन्वर्जन का ये जाल पूरे देश में फैला रहे हैं। इंडिया में बहुत से लोग और बहुत से हिंदू परिवार पहले भी क्रिसमस मनाते थे, लेकिन कन्वर्जन के बाद लोगों पर ऐसा इम्पैक्ट पड़ा है कि हम अपने ही कल्चर और त्योहारों को नीचा मानते हैं और वेस्टर्न फेस्टिवल जैसे त्यौहार बड़े खुशी के साथ मनाते हैं। जैसे कि क्रिसमस के पीछे जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो बहुत गजब की है, और वैलेंटाइन डे भी भारत में बहुत जोरों शोरों से सेलिब्रेट किया जाता है। यही कारण है कि मिशनरीज को भारत एक बहुत बड़ी मार्केट मिल चुकी है। साथ ही हमारे यहाँ की जो यंग जनरेशन है उन्हें जिस तरह से क्रिश्चियनिटी अट्रैक्ट कर रही है, यानी भारत की यंग जनरेशन सीधे सीधे भारत से अलग कर दी जा रही है। तो इससे होता क्या है कि इंडिया के ही लोग रहते ही इंडिया में ही है पर इंडियन नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को बाल बाइबल पढ़ाई जा रही है। इस कन्वर्जन को रोकने के लिए सख्त से सख्त लॉज बनने चाहिए और इन कन्वर्जन के ठेकेदारों को सजा भी होनी चाहिए, तभी कुछ बदलाव आ पाएगा। ये फेसबुक या ट्विटर पर कुछ पोस्ट डालकर इस चीज को रोका नहीं जा सकता, बल्कि हमें भी लोकल इंटेलिजेंस बनना होगा इन कन्वर्जन के खिलाफ। तो इस विषय पर आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को लाइक भी जरूर करो।